आज सिर्फ कहानियां पढ़ती हुई आपको दिख रही होंगी, क्योंकि क्या करूं, मुझे कहानी बुनना, कहानी कहना, कहानी देखना सब कुछ बहुत पसंद है, लेकिन कहानी बनना थोड़ा कम पसंद है। और मैंने देखा कि इन दिनों सिर्फ मेरी ही कहानी चल रही है मेरे घर में। क्या पता हमें है कहानियां है। तो मुझे लगा कि यार, मुझे तो लोगों के बीच रहना पसंद है, और अगर मैं घर में हूँ तो ये जो किताबें होती हैं, इनके जो किरदार होते हैं, वो मुझे ज़िंदा लगने लगते हैं, और मैं उनमें इतना घुस जाती हूँ कि उन्हीं के बीच रहने लगती हूँ। फिर मेरा खाना पीना सोना जागना उठना सब किताब के साथ होता है। जाने दे, तो उसके लिए वीडियो बनाना मुझे लगता है बहुत मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ किताब के साथ होंगी। आप लोग को लगेगा कि ये हो क्या रहा है, बंदी कर क्या रही है। तो इसलिए छोटा सा एक गैप, और जीवन में क्या चल रहा है, जीवन में वही सब चल रहा है जो आप लोग के जीवन में चल रहा होगा। उठना खाना पीना, जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो थोड़ा बहुत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा समय कहानियों के साथ गुजारना। कभी कभी मन करता है आप लोग की भी लाइफ में घुस जाऊँ, देखूँ वहाँ क्या कहानी चल रहा है। थोड़ा अजीब सा है ना मेरा वो, थोड़ा स्वभाव अजीब है। मैं लिखी सारी है। अब मैं इस बीच में अपने साथ काफ़ी दिन गुजारा है। माँ भी बेचारी, पता है माँ को कैसे उलझाया है, माँ को मैंने वेब सीरीज़ में घुसा दिया है। उसको टीवी में मज़ा नहीं आ रहा, टीवी में तो नकली कहानियाँ चलती ना, हर चीज़ में लाउड रिएक्शन, लाउड लाउड। तो वेब सीरीज़ जैसे मैंने उसको गुल्लक दिखा दिया, उसको मैंने घर वापसी दिखाया, तो उसको लगा कर देती हूँ भाई साहब वो 15-15, 20-20 कहानियाँ, मतलब एपिसोड्स वो बैठ कर देखती रहती है, और मैं इधर पन्ने पलटती रहती हूँ। तो ऐसे हमारा तालमेल चल रहा है, और खाने के टेबल पर हम मिल जाते हैं, और बस थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ना हम डिस्टर्ब होएं कैमरा लगाकर, और ना आप लोग को डिस्टर्ब करें इतना छोटा सा वीडियो दिखाकर, है ना। पर दूरियां सही नहीं जा रही थी, इसलिए आज मैं आ गई आप लोगों से मिलने। कौन सी कहानी पढ़ रही हूँ अभी? मैं पढ़ रही हूँ निर्मल वर्मा जी को, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, थोड़ी सीरियस हैं पर बहुत अच्छी हैं। कई एक्टर्स जो होने वाले एक्टर्स हैं वो कई बार बोलते हैं कि रतन जी आप एक्टर्स के लिए कुछ क्यों नहीं बात करते, आप अपनी एक्सपीरियंस क्यों नहीं शेयर करते, या कुछ गाइड क्यों नहीं करते। तो चलिए आज से वहाँ से शुरू, मतलब आज वहाँ से शुरू करते हैं। हम एक्टर्स प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, हम बहुत सारी सीनियर एक्टर्स का काम देखते हैं, सिनेमाज बहुत देखते हैं। वो अच्छी चीज़ है, वो करनी चाहिए, और बस ये देखना चाहिए कि हम जो सिनेमा देखते हैं या दूसरों का काम देखते हैं वो उनके नज़रिए से देखते हैं, उनका परसेप्शन होता है, और हम उसको बस देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं ना, तो हमारा अपना नज़र होता है, अपनी धारणाएं हम बनाते हैं। हम कहानियां पढ़ते हैं तो दिखने लगता है ना कि लेखक ने क्या लिखा है। जब वो बात करते हैं गुलमोहर के पेड़ से एक पत्ता ऐसे टूटा, तो लगता है कि हाँ टूटा और गिरा। आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, बहुत सारी चीज़ें आप खुद करने लगते हो। मेरे साथ ऐसा होता है, तो जब मुझे लगता है मैं खर्च हो गई हूँ ना, एज एन एक्टर भी हम खर्च हो जाते हैं, हम जीरो हो जाते हैं, तो कहाँ से शुरू करें? तो मैं पढ़ने से शुरू करती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा सीरियस हो रही हूँ अपने काम के लिए, क्योंकि एक एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन है कि आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि आप ही बिक रहे होते हो। आपका डिसिप्लिन लाइफ, आपका खाना पीना, आपको मेंटेन रहना, मेंटेन मतलब ब्यूटिफिकेशन से नहीं है, हेल्दी रहना दिमाग से शरीर से,
आप किसी कैरेक्टर में ढाले जा सकें ऐसा. और पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है. एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर नाउ बिकॉज अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं यार, है ना. अभी मैं जा रही हूँ चेक करने मॉम को कि मॉम क्या पढ़ रही है अपने लैपटॉप पे, यानी कि क्या देख रही है. आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे कहानियाँ ख़त्म करनी है. आज दो कहानियाँ हैं जो मुझे आज पढ़नी है. फिर मिलते हैं जल्दी ही. बाय. हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम पम पा रा 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 रा.